हेलो डियर स्टूडेंट्स इससे पहले की वीडियो में हमने डिस्कस किया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फर्म्स नाउ वी विल डिस्कस फाइनेंसिंग ऑफ फर्म्स देर आर टू टाइप ऑफ कैपिटल फर्स्ट मनी और फाइनेंशियल कैपिटल इट रेफर्स टू फंड्स और मनी रेज बाय द फर्म्स टू फाइनेंस इट्स बिजनेस बिजनेस को फाइनेंस करने के लिए जो मनी एकत्रित किया जाता है कलेक्ट किया जाता है वो कहलाता है फाइनेंशियल कैपिटल दूसरा है इट रेफर्स टू फिजिकल एसेट्स एक्वायर्ड बाई द फॉर्म फॉर्म ने जो फिजिकल एसेट्स एक्वायर किए हैं इन द फॉर्म ऑफ मशीनरी इक्विपमेंट वो कहलाएंगे रियल कैपिटल इस चैप्टर में हमारा कंसर्न है मनी और फाइनेंशियल कैपिटल से नाउ लेटस डिस्कस अबाउट इट्स सोर्सेज सोर्सिस ऑफ फंडस और फाइनेंशियल कैपिटल पहला है इसमें ऑनर्स कैपिटल दिस रेफर्स टू फंडस प्रोवाइडेड बाई द ऑनर्स दैम सेल्व्स जो ऑनर हैं वो खुद फाइनेंशियल कैपिटल प्रोवाइड करते हैं हमने जो ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्म के बारे में बात करी फर्स्ट होता है हमारा सिंगल प्रोपराइटरशिप दूसरा पार्टनरशिप तीसरा ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज तो पहली जो दो फॉर्म्स हैं सिंगल प्रोपराइटरशिप एंड पार्टनरशिप उसमें मेजर पार्ट जो फाइनेंशियल कैपिटल का है वो ओनर्स की खुद की कैपिटल होती है तीसरा हमारा है जॉइंट स्टॉक कंपनी यहाँ पे जो ऑनर्स होते हैं वो शेयर होल्डर्स होते हैं जिन्होंने शेयर्स परचेज कर लिए वो ऑनर्स भी बन जाते हैं और वो कंट्रीब्यूट करते हैं फाइनेंशियल कैपिटल के लिए और उनको उसके बदले में डिविडेंड्स भी मिलते हैं यहाँ मैं टर्म यूज़ कर रही हूँ डिविडेंड ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो प्रॉफिट हो रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन को या फर्म को जो प्रॉफिट हो रहे हैं वो सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते हैं उसमें एक पार्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का होता है और एक डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होते हैं जो शेयर होल्डर्स को मिलते हैं तो जो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स होते हैं उनको कहेंगे डिविडेंड्स डिविडेंड रेफर्स डिविडेंड्स रेफर टू दैट पार्ट ऑफ द फर्म्स प्रॉफिट विच इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर्स जो शेयर होल्डर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं प्रॉफिट वो कहलाते हैं डिविडेंड्स और दूसरा जो पार्ट है वो रिटेन अर्निंग कहेंगे उसको या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स और इनका इस्तेमाल फर्दर फर्म के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए होता है नेक्स्ट हमारा सोर्स है डेट डेट जो व्यक्ति डेट प्रोवाइड करता है वो ऑनर ना होकर क्रेडिटर कहलाएगा और किसी भी प्रकार का डेट इंस्ट्रूमेंट क्यों ना हो दो करेक्ट्रिस्टिक्स कॉमन हैं। फर्स्ट है दे कैरी एन ऑब्लिगेशन टू रिपे द प्रिंसिपल अमाउंट बोरोड बाय द फर्म पहला तो उनको रिपे करना होगा प्रिंसिपल अमाउंट को दूसरा दे कैरी एन ऑब्लिगेशन टू मेक सम पेमेंट टू द क्रेडिटर्स इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट दूसरा प्रिंसिपल अमाउंट पर इंटरेस्ट भी पे करना होगा क्रेडिटर्स uh, को अब डेट इंस्ट्रूमेंट्स तीन हैं पहला है लोन दूसरा है बिल्स एंड नोट्स तीसरा है हमारा बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स फर्स्ट है लोन लोन में क्या फीचर रहेगी पीरियोडिक इंटरेस्ट पेमेंट होती है और रिपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट आइदर ऑन डिमांड और एट द स्टिपुलेटेड फ्यूचर डेट लोन्स में क्या होता है कि पीरियोडिक इंटरेस्ट पेमेंट दी जाती है और किसी निर्धारित तिथि पर फ्यूचर की किसी निर्धारित तिथि पर प्रिंसिपल अमाउंट भी पे कर दिया जाता है दूसरा है बिल्स एंड नोट्स बिल्स एंड नोट्स आर शॉर्ट पीरियड क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट जनरली फॉर ए पीरियड अप टू वन ईयर वन ईयर के लिए क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट uh, है दे कैरी अ स्पेसिफिक रिडेम्पशन डेट बट डू नॉट एक्सप्लिसिटली कैरी एनी पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे इंटरेस्ट जो है इंटरेस्ट अमाउंट स्पेसिफिकली डिसाइड नहीं होता है लेकिन जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो रिडेम्पशन डेट पर पे किया जाता है यहाँ पे क्या डिफरेंस है यहाँ पे इंटरेस्ट स्पेसिफिकली डिसाइड नहीं होता इंटरेस्ट पे जरूर किया जाता है लेकिन उसके बारे में इतना एक्सप्लिसिटली क्लियर नहीं होता है ना ही जो पीरियोडिक इंटरेस्ट पेमेंट है वो होती है तीसरा है बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स ये लॉन्ग टर्म लॉन्ग पीरियड क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट हैं जैसे बीस या तीस साल के लिए और बिल्स एंड नोट्स हमारा एक साल के लिए अप टू वन ईयर और जब ज़्यादा समय के लिए लोन लेना हो या इस, इसकी फॉर्म को कहेंगे हम बॉन्ड्स या डिबेंचर्स यहाँ पे भी दोनों फीचर रहेंगे फिक्स्ड रिडेम्पशन डेट रिडेम्पशन डेट फिक्स होगी एंड दीज इंस्ट्रूमेंट कैरी एन ऑब्लिगेशन ऑफ पीरियोडिक इंटरेस्ट पेमेंट यहाँ पे इंटरेस्ट पेमेंट जो है पीरियोडिक होती है जो बिल्स एंड नोट्स में नहीं होती है ये हमने बात करी सोर्सेज ऑफ सोर्सेज ऑफ फंड्स और फाइनेंशियल कैपिटल नाउ लेट अस डिस्कस गोल ऑफ द फर्म गोल ऑफ फॉर्म भी डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्म पे अगर मार्केट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है तो गोल होगा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अगर नॉन मार्केट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्म है तो गोल होगा सोशल वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन यहाँ पे आगे डिस्कस किया हुआ है कि प्रॉफिट्स क्या होते हैं जब हम रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट माइनस कर देते हैं टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट माइनस कर देते हैं वो कहलाएंगे प्रॉफिट जो हमने बात करी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन तो बताया हुआ है प्रॉफिट क्या होते हैं प्रॉफिट टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट माइनस करके निकाले जाते हैं कॉस्ट का आगे एक्सप्लेन करा हुआ है एक फैक्टर कॉस्ट होती है एक नॉन फैक्टर कॉस्ट होती है फैक्टर कॉस्ट जो उत्पादन के साधनों पर लगाई जाती है जैसे लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर और नॉन फैक्टर कोस्ट होती है रॉ मटेरियल या इंटरमीडिएट गुड्स या सर्विसेज के ऊपर जो कॉस्ट लगती है वो कहलाएगी नॉन फैक्टर कोस्ट यहाँ पे इम्प्लिसिट कोस्ट को भी हम कंसीडर करेंगे जब हम कोस्ट की बात कर रहे हैं तो कोस्ट का मतलब होता है एक्सप्लिसिट इन इकोनॉमिक सेंस एक्सप्लिसिट कोस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट इम्प्लिसिड कॉस्ट को हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बोलते हैं तो ये हमने कॉस्ट के कॉन्सेप्ट में डिस्कस किया हुआ है Thank you so much.